हम तुम्हारे फूफा अनोखे लाल बोल रहे हैं। फूफा जी, दिवाली जो है अब तुम्हारे साथ मनाएंगे। दिवाली मीनाक्षी के लिए लड़का हम देखेंगे। फिलहाल तो तुम लोग जो है दिवाली का साफ सफाई करो। है सफाई? अरे मीनाक्षी को जैसा लड़का चाहिए था ना, वैसा लड़का मिल गया है। क्या? हाँ, कल मीनाक्षी को देखने के लिए धनतेरस के दिन बुलाया है। वाह, कमाल कर दिया। हाँ, तुम रेडी रहना, जब हम दोबारा फोन करें ना तो यहाँ चले आना। तक हम 496 शादियां करवा चुके हैं। अगर आनंद की चारों बड़ी बेटियों की शादियां हमने करवा दी ना तो 500 हो जाएंगी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, समझे कि नहीं? अरे हम क्या समझेंगे, समझते तो हमारे जमाने की औरतें थी। हम प्रणाम करने में से का कर दीजो, आप घबरा गए। आशीर्वाद देने में घबराने की क्या जरूरत है? हाँ सही तो कह रहे हैं, इसमें घबराने वाली क्या बात है? अब आपको घबराता हुआ देख के हम घबरा गए। अरे हमको घबराता देख कर तुम क्यों घबराई? अरे वो कहावत नहीं सुने का, खरबूजे का देख के खरबूजा रंग बदलता है। वो दरअसल धनतेरस के दिन नहा धो के हम लोग अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। अरे वाह, ये होते हैं संस्कार, समझे के नहीं? अब बैठिए ना, बैठिए। वैसे बिना खुशखबरी है, हमारे बॉस ने दिवाली के उपलक्ष में हमको 25,000 रुपए बोनस दिया है। हम सोचे हैं कि अपनी बेटियों के लिए हम एक छोटा छोटा गिफ्ट सबके लिए लेकर आए हैं। अयो दत्ता, ये खबर सुनकर तो सबकी सब पगला जाएंगे, पागल हो जाएंगे बिल्कुल। ए जी, हमारे फोटो फ्रेम पर भी ना सोने का चेन लटका दीजिए, फिर हम भी खुशी से पागल हो जाएंगे। तुम तो पहले से ही पागल हो। आप हमको पागल कह रहे हैं? नहीं नहीं, अरे ये का तुमको पागल कहेंगे, पागल तो हमको हमारे जमाने में बोलते थे। वाह, फूफी के जमाने में भी लोगों की परख कितनी सही हुआ करती थी ना। अब ऐसे बबुआ, तुम जो है धनतेरस पे अपनी फूफी को का गिफ्ट दे रहे हो? है ऐसे हमको सोने की अंगूठी बहुत पसंद है। आपको गिफ्ट तो फूफा जी देंगे ना, है ना? बचपन में तुम्हारा लंगोट हम धो धो के सुखाते थे, सब भूल गए का? अब बचपन की बातें हैं, कहाँ याद है फूफी, नैपी में कौन कितना हैप्पी था क्या मालूम। तो ये का मत बोल, हमारा गिफ्ट कैंसल। वो तो अब हम कैसे? अरे आनंद बेटा, जब फूफी का गिफ्ट लाओगे तो फूफा को भूल थोड़े ना जाओगे, समझे के नहीं? दोनों को याद रखना पड़ेगा। बोनस तो गया, क्या करें, हम इनकी खुशी के बारे में नहीं सोचेंगे ना तो ये लोग भी हमारी बेटियों के लिए अच्छा भर तलाश नहीं करेंगे। अरे आनंद बेटा, तुम उधर क्या फुसफुसा रहे हो? अरे बताओ कि आखिर बात क्या है? हमको पूरा यकीन है कि ये बार ये लोग सब समझ गए हैं, है ना? समझ गए कि अब बोनस का कुछ नहीं बचेगा। बेटा, ये तुम रंगोली बना रही हो कि जमीन की शक्ल बिगाड़ के अपनी कोनो पुरानी दुश्मनी का बदला ले रही हो? हैं दादी, मारे को एक बात बताओ के कोई शेरनी मोरनी जैसा नाच सके सके? नहीं तो क्या कोई हथनी हिरनी जैसा दौड़ सकती है? नहीं। ए का तुम हमको हथनी कह रही हो? अरे नहीं नहीं दादी, आप तुम्हारी प्यारी सी गोली मोली सी दादी हो ना। अच्छा बताइए ना, क्या कोई हथनी हिरनी जैसा दौड़ सकती है? अरे बिल्कुल नहीं। तो ठीक उसी तरह ना दादी, मारे से भी यो रंगोली बनाने का काम ना हो सके से दादी।
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किस चीज की रंगोली बनाना सबसे आसान लगता है? बता दूं दादू? हाँ? गोली की रंगोली। गोली मतलब वो कांच की गोल गोल गोली ना? अरे नहीं 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 दादू, वो गोली जो बंदूक से निकलती है ना। ठीक है, हमारे को उससे रंगोली बनाने का बहुत शौक है। अरे बिटिया, कभी तो लड़कियों जैसी बातें कर लिया करो हैं। समझती का है नहीं, इतनी भारी बनारसी साड़ी मुझे नहीं पहननी। साड़ी मैं नहीं पहनूंगी। बनारसी साड़ी लड़के वाले के सामने पहनोगे तो कितनी सुंदर लगोगी तुम, समझाइए ना इसे। हम कहा समझाएं, एक गणित का बहुत डिफिकल्ट सवाल है जो हम समझा, जो तुम नहीं समझा सकती हो। हाँ बिल्कुल सही बात, अगर पढ़ाई लिखाई की बात होती तो आनंद बाबू सबको समझा देते। पढ़ाई लिखाई के मामले में ना पूरे गांव में आनंद से तेज लड़का कोई नहीं था। समझेगे नहीं? हाँ एकदम सही कह रहे हैं। और इसकी बोली हुई अंग्रेजी तो कई बार कई लोगों को कई कई दिनों तक समझ में भी नहीं आती थी। अरे लेकिन क्या फायदा फूफी, इतना पढ़ लिख के काम तो हम वही कर रहे हैं, छोटी सी नौकरी। ये तो वही बात हो गई कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो भैया तकदीर का खेल। आयो दादा, अब ये तेल ना बाद में बेच लेना, पहले बिटिया को समझाओ कि अगर साड़ी नहीं पहनी तो कम से कम अनारकली ड्रेस ही पहन ले। मम्मा कोई सलीम आने वाला है क्या जो मीनाक्षी अनारकली बनकर उसका इंतजार करे? हा? कोई अनारकली अनारकली नहीं बनना, तुझे साड़ी पहननी और हाँ घूंघट भी निकालना होगा, समझे के नहीं? घूंघट? हाँ। अरे पिया इसी का आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो, ये सब तो हमारे संस्कार है। हमारी भी शादी के लिए जब तुम्हारे दादू और इनके परिवार वाले हमको देखने आए थे ना, तो हम भी ऐसे ही घूंघट में ही इनके सामने आए थे। ए जी, अगर फूफी जी ने अपना चेहरा घूंघट में छुपाया नहीं होता तो फूफा जी इनसे शादी क्यों करते? अगर तुम्हारी बात है सबको सुनाई देने लगी ना तो सबसे पहले हमको घर से बाहर निकाला जाएगा, बता रहे। अरे लड़के वालों के आने का समय हो गया है, जाओ जाओ जल्दी से साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होके आओ, जाओ। पापा ने कभी बताया तो नहीं कि ऐसे है उनके फूफा फूफी जो कर देते हैं सबको दुखी? पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मी पापा को दिवाली का गिफ्ट ना मिले और इन लोगों को बनारसी साड़ी और सोने की अंगूठी चाहिए? मैं तो कहती हूँ ये दूर के दादा दादी को हमें दूर भेज देना चाहिए। दीदी ऐसा तो कभी ना हो सके से, और बापू ऐसा होने ही ना देंगे क्योंकि फूफा फूफी थारे लिए लड़का ढूंढने में कसरत कर रहे से। यार वही तो दिक्कत है। वैसे मम्मी पापा को भी दिवाली गिफ्ट मिलना चाहिए ना। बात तो तेरी बिल्कुल सही है छोटी, मम्मी पापा को गिफ्ट देने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो कब बोलेगी? कल। हाँ दिमाग में रखकर अचार डालेगी के? अरे जल्दी बोल ना काजल, उसे बोलने तो दे। ऐसा करते हैं, हम अपने अपने जेब खर्च से जो पैसा बचा के रखते हैं उससे मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदते हैं। डन। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा अब तो आजा। कैसे? अरे अरे आप लोग आ गए। नमस्कार नमस्कार। ये है राज पांडे और ये राज पांडे के पिता श्री महाराज पांडे। नमस्कार। और ये राज पांडे की माता श्री दिलराज पांडे। ये आनंद माथुर, ये इनकी धर्मपत्नी वीना माथुर। प्रणाम प्रणाम। और हम हमेशा से अनोखे लाल, समझे के नहीं? समझ गए समझ गए। अरे आप लोग आइए ना, हम लोग तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आइए 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 आइए। फूफा जी एकदम फुल एनर्जी में है आज, हमेशा की तरह। आइए 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 इस तरह। अरे भाई देखो कौन आया है। आप लोग समझे के नहीं? ये फूफा जी का एकदम पेटेंट डायलॉग। अच्छा वैसे बेटा बताओ कि पढ़ाई कहाँ तक की हो? अरे हमारे राज के बारे में तो पूछे ही मत। अयो दादा तो और किसके बारे में पूछे? हमारे राज के बारे में तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, इसने तो अमेरिका से लिटरेचर की डिग्री ली है। क्या बात है? फिर
फिर डेली बनारस से अमेरिका टाइम पे पहुंच जाता था ये बच्चा। आपको बाद में बताएंगे फूफी। स्वीटी जरा मीनाक्षी को यहाँ ले आ जाओ। जी डैडी जी। अच्छा वैसे बेटा ये पोस्ट ग्रेजुएशन तुमने कौन से सब्जेक्ट में किया? इंग्लिश। इंग्लिश में किया था। अरे आप राज को भी तो बोलने दीजिए। अरे आ गई मीनाक्षी। आओ 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 ये समोसा हमारी मीनाक्षी ने नहीं बनाए हैं। ये चाय भी मैंने नहीं बनाई। मुझे कुछ बनाना नहीं आता क्योंकि मुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर में नौकरों की बहुत बड़ी फौज है। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तूने देश के बॉर्डर पर भेजी है ना, इतनी बड़ी फौज को घर में रख के क्या फायदा है ना। मतलब अब घर में बेकार में शहीद होने से क्या फायदा है। जोक जोक मार रहे मीनाक्षी। आप बताइए मैंने कुछ गलत कहा? बताइए आप। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे आप राज को बोलने दीजिए ना, हम तो इनकी आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं। बात दरअसल ये है आनंद बाबू कि हमारा बेटा अभी बोल नहीं सकता। मेरा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इसका गला खराब है ना। शराब है? आप शराब पी दे। शराब नहीं गला खराब है, गला खराब है। मशीन लग गई है। हाँ इसीलिए बोल नहीं पाता, इससे बात करनी है तो लिख कर बात करनी पड़ेगी। मीनाक्षी बेटा राज को अपना घर दिखा दो, जाओ जाओ। वेरी गुड, जाओ जाओ घर दिखाना है। जाओ जाओ बैंक। अरे चिल्लाती जब घंटी बजती और ये इस तरह दूसरी बहन मीनाक्षी दीदी बुक और पेन लिख कर बात करेगी ना। वेरी गुड, चलिए घर दिखाती हूँ। अच्छे से दिखाना। नहीं 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 एक एक आप यहाँ बैठिए मैं वहां बैठूंगी। पेन और पेपर से बहुत लगाव है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको अच्छी तो लगी ना, वैसे आप शादी क्यों करना चाहते हैं? पापा ने बोला है इसीलिए। हैं? तो आप सारे काम पापा से पूछ के करते हैं? अच्छा तो अगर किसी को आपकी धुलाई करनी हो तो क्या आप पापा से पूछ के धुलाई करवाएंगे? अरे घबराइए मत, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा देखिए तो मुझे तो खाना बनाना आता नहीं, तो क्या शादी के बाद आप खाना बनाएंगे? ठीक है शादी के बाद आप मेरे पैर भी दबाएंगे? वैसे आपका ये गला कब से खराब है? बचपन से है? उठा लीजिए उठा लीजिए। ठीक है तो मुझे लाज बोल रहा हूँ बादल तहीं दे, मैं जब जब लड़ती देखने जाता हूँ तो हमें तो तभी क्यों तोल जाता है। लुच्चे आज तूने फिर से मेरी पोल तोल दी। लत फोल हो दया। मैं एक तोल तल लूं। हेलो महिला मुक्ति मोर्चा, जाओ इधर से।
अरे 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 क्या हो रहा है मातुल साहब? अरे काहे को तुमने मारा उस लड़के को? हाँ वो तो आप लोग इससे पूछिए। क्या बात है बेटा? माइत को तब पता लग गया कि हम तोतले हैं। अले तो तुम पहले काहे नहीं बताए थे तुम तोतले हो? हमारा मतलब है कि पहले काहे नहीं बताया तोतले हो? तो क्या हुआ, ये बात तो इसकी पहली बीवी को भी पता थी कि ये तोतला है। इसकी एक बीवी है? हाँ। अरे तुम पहले काहे नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी भी है? है नहीं थी, पर वो अब अलग रहती है। उफा? बापू आप अभी परमिशन दे रहे हो इसे कूटने की कि बात में दोगे? देखे नंद बाबू, मैं आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाने के लिए 20 लाख रुपया नगद और फैमिली के हर एक मेंबर के लिए एक एक कार देने के लिए रेडी हूं। क्यों समझे कि नहीं? अरे हम तो समझ गए, हम आनंद जी को समझाते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, समझे कि नहीं? बेकार रहने से तो अच्छा है कि सब कार वाले बन जाए। आयो तो तब बुआ जी क्या कह रही हैं आप? देखिए हमारी बेटी बिकाऊ नहीं है। आज धनतेरस का दिन है और आज का दिन लक्ष्मी घर पर आती है और आप हमारी लक्ष्मी जैसी बेटी को खरीदना चाहते हैं, हैं? चलिए यहाँ से दफा हो जाइए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए जाइए यहाँ से, चलिए निकलिए। बेटा आज के दिन धन को ठुकराते नहीं है, समझे कि नहीं? बहुत समझ चुके, अब मैं समझाती हूँ आप लोगों को। मैंने राज को इसलिए रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि ये तोतला है, बल्कि इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि राज की पहली बीवी ने इन पर शादी के बाद दहेज लेने का इल्जाम लगा रखा है और इन पर उसका मुकदमा भी चल रहा है और इनके बारे में ये बातें हमें महिला मुक्ति मोर्चा वालों ने पता करके बताई हैं और उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि ये हमें भी इस दहेज के जाल में फंसाना चाहते हैं। बस अभी आती ही होगी। ये क्या कह रही है? ये सच है? बोलिए। देखिए आपको आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये देखिए पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कर लीजिए। नहीं, समझा था आपने? नहीं, हमको कहा समझा था आपने? चलिए चलो ले जाए इंस्पेक्टर साहब, बहुत हो गया इनका तमाशा। देखिए मातुर साहब आप याद रखिएगा। याद रखेंगे, याद तो आप रखेंगे, हमको हिसाब देना पड़ेगा आपको भी। ये फूफा जी कैसा लड़का ढूंढ के लेके हमारी बेटी के लिए? धीरे से बोलिए ना, अगर सुन लेंगे ना तो आईना से फिर कभी हमारी बेटियों के लिए दूल्हा नहीं ढूंढेंगे। शांत हो जाइए। अब बच्चिया तुम बहुत अच्छा काम करे लगा पुलिस में दे करके। अब बड़े आए थे हम रुमीनाक्षी से शादी करने वाले। समझे के नहीं? समझ गए अब तो। मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि मेरे पापा मम्मी और मेरी बहनों से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। लगता है दिवाली का गिफ्ट आ गया। बहनों जल्दी खोलो, गिफ्ट देखे बिना तो मेरे गले से पानी भी नहीं उतरेगा, समझे के नहीं? अच्छा अब बहनों
सुना नहीं दादा दादी के कह रहे से जल्दी से खोलो। तेरी किस बात की? जिसका गिफ्ट है वो ही खोलेगा। ये कौन लाया? मतलब हमको कहा खोली दो। पापा भूपी देखिए अच्छा है ना। बहुत अच्छा गिफ्ट है। वाह, देखा तुम लोगों ने, हमारे पापा के फूफा फूफी कितना इमोशनल हो रहे थे जबरदस्ती सबसे लिपट के। लिपट रहे थे? अरे दादी तो हमारे पे गिर पड़ी थी। हाँ, साफ पता लग रहा था कि नाटक कर रहे हैं दोनों। वैसे हम लोगों ने उन बेचारों को कितना नुकसान पहुंचा दिया ना, उनका गिफ्ट जो कैंसिल करवा दिया। मेरे लिए वो दहेज का लोभी, डाइवोर्सी और वो तुतला लड़का ढूंढकर कितना एहसान जता रहे थे। पोल खुल गई पर ये लोग अभी तक यही जमे हुए हैं। इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या दादा दादी को? अरे मैं तो कहती हूँ दीदी, इन लोगों का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल दादी का बर्थडे है ना। अब देखना, हम उन्हें ऐसा गिफ्ट देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मतलब क्या हम उनको ताजमहल खरीद के देने वाले हैं? चुप, इधर आओ, मेरा प्लान सुनो, इधर आओ।